हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ख़ास कुछ स्पेशल बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं जो यूपीएससी का एंट्रेंस दें, अगर आप चाहते हैं जो इंडिया के जो सबसे हाई लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आप बने, यानी मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, और उसकी अब तैयारी के लिए आप परेशान हैं जो कहाँ तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कहाँ कोचिंग लें, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर वे में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कम खर्च में, यानी हम कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप प्रॉपर वे में कैसे तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया RCA के बारे में। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि RCA का जो एंट्रेंस फॉर्म है वो डेट निकल चुका है और लास्ट डेट 6 सितंबर है। 6 सितंबर से पहले पहले तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, पूरा जो जामिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको पता चल जाएगा। जो क्राइटेरिया, इसे आपको पता है, किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, बिना ग्रेजुएशन के आप इस कोर्स में नहीं आ सकते हैं। बाकी जामिया के बारे बता दें, जामिया का RCA आप जानते हैं अभी टॉप लेवल में चल रहा है, पूरी जामिया मिलिया ही रैंकिंग में चल रहा है। और RCA की बात करें, अभी पिछले बैच की देखेंगे आप तो कई एक आला अधिकारी निकले हैं। अगर आप भी चाहते हैं आप जामिया मिलिया इस्लामिया के पार्ट बन सके, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बिल्कुल फ्री सब कुछ का आपको फैसिलिटी मिल रहा है, रहना, खाना पीना, कोचिंग, मॉक टेस्ट, उस सीरीज़, यानी जो कुछ भी उसका पूरा प्रोसेस है वो सारा कुछ आपको फ्री में मिलेगा। यहाँ के जो 24/7 का जो लाइब्रेरी है वो फुली एयर कंडीशन है, डिजिटल लाइब्रेरी है। उसके बाद टीचर के गाइडेंस में आपको हमेशा मिल जाएगा, आपको गाइड मिलेगा। प्लस में टीचर आपको उसमें वीकली आपका टेस्ट मिलेगा, जो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, कौन सा आपको वीक पॉइंट है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। प्लस में आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ UPSC क्लियर किए हुए या फिर एक आध दो अटैम्प्ट दिए हुए स्टूडेंट मिलेंगे, उसके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा और आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको बता दें मंथली 2500 रुपये आपको पे करना होता है। अगर 2500 रुपये में आप ऐसे खुद से खाना भी खाएं फिर भी नहीं होगा, 2500 में आपका रहना भी है, खाना भी है, कोचिंग भी है, यानी इन टोटल सारा कुछ पूरे फैसिलिटी, यानी एंट्रेंस क्लियर होने के बाद सिलेक्शन होने से लेकर फाइनल तक। जी हाँ, यानी UPSC का जो मेंस है, प्रीलिम्स है, उसके बाद आप उसका जो इंटरव्यू है वहाँ तक का पूरा प्रोसेस का खर्च आपका बिल्कुल सिंपली 2500 रुपये मंथली लगेगा। तो इससे ज़्यादा सस्ता कहीं मिल सकता है आपको? प्लस पॉइंट जामिया का मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर्सनली मैं मिला जाके उन लोगों से, यहाँ के टीचर से मिला, RCA का जो टीचर है, या फिर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल वो लोग इंटर हुए हैं, उन लोगों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, उस पर प्रॉपर मैंने कैसे आप तैयारी करना है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद क्या क्या प्राव है, कैसे कैसे आपको गुजरना है, कितने नंबर का मार्क्स है, कितना टाइमिंग है, इसके ऊपर प्रॉपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कैसे तैयारी करना है। मैं वहाँ के टीचर से बात किया, वहाँ के स्टूडेंट से बात किया, फिर उसके बाद वीडियो शूट किया था मैंने, तो मैं बता रहा हूँ आपको इतना बेहतरीन इन्वायरमेंट है, अगर आप एक बार एंट्री ले लेते हैं तो ना चाहते हुए भी आप उस मकाम तक पहुँचेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिलेगा, जामिया मिलिया इस्लामिया RCA के बारे में, या फिर वहाँ अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इसके बारे में। बाकी और कोई भी जानकारी चाहते हैं अगर आप, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 खुला रहता है, कभी भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे जान सकते हैं। कोई भी जानकारी मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।